खत्म होगी, जैसे कि टोरेंट भी सबसे बड़ा मुद्दा मुंब्रा शहर का है। देखिए जब ताकत होगी तो मैं वादा करता हूँ उस पर फुल लड़ाई लड़ूंगा। अब कितने दिन खत्म होती है ये मेरा वादा नहीं है, लेकिन सरकार अगर मेरी आ गई ना तो 100% सर। 2007 में समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व मुंब्रा शहर में था, कई सारे नगर सेवक इसके यहाँ पर चुनकर आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या वजह रही कि वो अब वर्चस्व वैसी जो समाजवादी पार्टी की ताकत थी मुंब्रा शहर में नजर नहीं आती, क्या कमी रही? वजह वही जो उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ है, बहुत ताकत थी इनका, जो सूरज डूबता नहीं था कभी, आज इनके ही आदमी घर को आग लगी, घर के चिराग से ये हालत होती है। आजकल के कार्यकर्ता लोभी हो गए हैं, आजकल के कार्यकर्ता जो है ना समाज के लिए नहीं अपने लिए काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। पहले एक ज़माना था कि लोग देश के लिए समर्पित थे, लोगों के खुशी के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार थे। हमें ऐसे ही कार्यकर्ताओं की जरूरत है, ऐसे कार्यकर्ता आएंगे जो बिल्कुल आइडियोलॉजी में काम करेंगे तो ही पार्टी बढ़ सकती है। पुराने चिरागों से तो घर को आग लग गई, अब नए चिराग उस तरह के नजर आ रहे हैं, चिराग रोशनी करेंगे। कितने उम्मीदवार खड़ा करने की आशा है? अरे हम तो चाहते हैं भैया पूरा थाना कैप्चर कर ले, लेकिन जहाँ जहाँ मिलेंगे उम्मीदवार खड़ा कर। सही बात है, डरा दिया, उनके घर तोड़ देंगे, सत्ता में आने के बाद उनको झूठे वादे किए और चपरासी की तरह से वर्करों को रखा है डर के मारे, अगर मैं नहीं गया तो मेरा घर टूट जाएगा, मेरा फ्लैट टूट जाएगा, इस वजह से इन्होंने ये पोजीशन खत्म किया। लेकिन हमने अभी खड़ा किया, बताते हैं उनको। सर विपक्ष है या नहीं है मुंब्रा में? सर समाजवादी पार्टी आ गई ना, है ना विपक्ष? कोई जरूरी नहीं कि नगर सेवक हो एमएलए हो, पार्टी के कार्यकर्ता विपक्ष में खड़े होंगे। सर लेकिन ये आरोप लगता है कि आप सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आते मुंब्रा के अंदर, ये गंभीर आरोप नहीं? ये आरोप लगा दे बिल्कुल सही लगा रहे हैं, लेकिन वर्कर जो है ना मिलते नहीं पहले, ये मुश्किल होती है। अब जरा कुछ वर्कर से सर, मैंने बाहर से अपना एक यहाँ अध्यक्ष बनाया, कलीम जामी को लाके बनाया ताकि वो लड़ सकता है, डरता नहीं है, इनको लाया, अध्यक्ष बनाया इनको यहाँ पर। अभी मैंने ये जो फवाद अहमद है जो PhD किया, रिसर्च करते हैं, जो NRC वगैरह में काम करने वाले, इन सबको पार्टी से जोड़ा, तो अब अभियान चला रहे पिछले काफी दिनों से, तो क्या लगता है सर कि आप लोग टोरेंट को यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगी? देखिए ऐसा है ना, हमें गांधी जी ने सिखाया कि जुल्म के खिलाफ आंदोलन करो, भागो, भागे आगे देखते हैं करेंगे। सर मुंब्रा शहर में मुंब्रा पुलिस स्टेशन हम देखते हैं कि जो भी कोई मामला वहाँ पे आता है 80% मामलों में नशा इन्वॉल्व है, और यहाँ पर बड़े दावे होते हैं कि हम मुंब्रा शहर की विकास तरक्की करेंगे, लेकिन जब घरों में नशा पनप रहा है बहुत से घरों में, तो क्या उसका फिर इलाज है? तो नशे के खिलाफ, चलिए आपने यहाँ पर इतना बड़ा माशाल्लाह आपके साथ में देख रहे हैं कि पूरी आपके साथ में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर है, आपका पुराना सिपाही आदिल खान आजमी यहाँ पे खड़ा हुआ है और आप कहते हैं कि आपका पूरा सपोर्ट है, तो नशे के खिलाफ क्या कर दिखाएगी समाजवादी पार्टी? मुझे अगर कोई बता दे कि अबू आसिम तुम ये काम करो तो नशा खत्म हो जाएगा, मैं अभी वादा करता हूँ कि यहाँ से घर नहीं जाऊँगा, नशा खत्म करा के जाऊंगा। अरे लेकिन सर कुछ तो चाहिए ना, जिम्मेदारों को कुछ तो करना चाहिए। बताइए ना क्या सर, मुंब्रा की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ चली जा रही है। सर टेल मी मुझे बताओ कि मैं एज ए अबू आसिम जी मेरे कार्यकर्ताओं को लेके कौन सा ऐसा काम करूं जिससे यहाँ नशा खत्म हो जाए, मैं करने को तैयार हूं। सर पावर नहीं, समाजवादी पार्टी से ज्यादा तो फिर ये नशेड़ी लोग मजबूत है। सुनिए ना हमारी ड्यूटी है असेंबली में आवाज लगाना जी, हमारे मंत्रियों के पास जाके इस पर जोर देना, हमारी मंत्री महल्ले में घूमना, घर वालों को समझाना, हम वो पूरा कर रहे हैं, पूरी ताकत कर रहे हैं इसमें। हमने तो यहाँ तक असेंबली में कह दिया था कि सरकार अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मुझे एक महीने का टाइम दे दो और मुझे फुल पावर दे दो कि मैं जो चाहूँ करूँ, मैं नशा खत्म नहीं कराया तो मुझे थूक देना मेरे ऊपर। जो सरकारी अस्पताल है वो अभी पूरी तरीके से चालू भी नहीं हुआ और उसके निजीकरण की बात हो रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो रहा है, धंधा हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, पैसे कमाने के लिए हो रहा है, गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है, गरीबों के लिए काम होना चाहिए। हमने अस्पताल खोला 7 महीने का, देख लो शिवाजी नगर में वहाँ बिल्कुल काम हो रहा है और हर वार्ड में 1,000 फुट का एक अस्पताल बन रहा है और उसके अंदर सुबह से शाम तक MBBS डॉक्टर बैठेंगे, एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, MRI सब फ्री होगा। हम लोग शुरू कर चुके गोंडी के अंदर, यहाँ तो जल्दी कर सकते हैं क्योंकि ये लोग तो सत्ता पक्ष में रहे हुए बड़े बड़ी पार्टी के लोग हैं, ये करने नहीं चाहते, ये चाहते हैं ये मोहताज रहें, परेशान रहें ताकि इनके पीछे भागते रहें। सर आने वाले इलेक्शन को लेकर मुंब्रा की आवाम से क्या अपील करोगे? अपील किया ना मैंने कि आओ मेरे साथ, हम सब मिल के काम करेंगे, ताकत बनाएंगे और मुंब्रा में खुशहाली लाएंगे, यहाँ जो चीज़ें नहीं उसको लाने के लिए पूरा काम करें, जिस तरह से मैंने गोंडी में किया आप आगे देख लो, कोई चीज़ बाकी नहीं है, अभी कोई चीज़ यहाँ भी लाएंगे।